गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद ऑल ऑफ यू. वेलकम अगेन. नाउ टुडे वी डिस्कस क्लास 10 चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट. इन दिस वीडियो वी डिस्कस सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. योर फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर वुमेन इन लोकल बॉडीज. द आंसर इज 33%. नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, what is the term used for a person who believes in equal rights and opportunities for women and men? The answer is feminist. Now, what proportion of the country population do SC and ST and OBC together account for? The SC, ST and OBC together account for about 2/3 of the country's population. Now, define the term of feminist. A woman or a man who believes in equal rights and opportunities for women and men, it is called feminist. Now, next question, explain the term feminist movement. Feminist movement are local women, are radical women's movement aiming and attaining equally for women in personal and family life and public affairs, and these movements have organized and agitated to raise channels for enhancing the political and legal status of women and improving their educational and career opportunities. Firstly, feminist meaning, यानी जहाँ पे men's और women's दोनों को equal opportunity दी जाए, दोनों के साथ equal behavior किया जाए, दोनों को gender based discrimination ना हो, same दोनों के साथ equal behavior हो. नाउ सेकेंड है, ये फेमिनिस्ट वूमेंट थी क्या, यानी सोसाइटी में जो वुमेंस हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराना एजुकेशन में एंड कैरियर में. नाउ द व्हाट इज़ द पैट्रियकल सोसाइटी. अ पैट्रियकल सोसाइटी इज एसेंशली मेल डोमिनेटेड. द लाइन ऑफ डिसेंट ट्रेस्ड थ्रू द फादर मैन एंड वेल आर वैल्यूड मोर इन टर्म्स ऑफ वर्क दे डू एंड द प्लेस दे होल्ड इन सोसाइटी एंड दिस गिव्स द them more power than women. Means जितने भी जो भी ऐसी society जहाँ पर केवल जो men's हैं उनका domination, केवल उनका प्रभुत्व, like our India, यहाँ पर क्या है, इसे पुरुष प्रधान देश कहा जाता है, because यहाँ पर जितनी भी जो society में जितने भी work किए जाते हैं वो men's के रहते हैं. लेकिन धीरे धीरे जिस तरह हमारी society में equality आ रही है, आज जो वुमेंस हैं वो आके निकल रही है, वो भी जॉब कर रही है, वो भी men's के अकॉर्ड के इक्वल जॉब कर रही हैं, आगे निकल रही है, तो धीरे धीरे ये जो पार्शलिटी है वो ख़त्म हो रही है. नाउ व्हाई डू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स हैव द प्रीफिक्स शेड्यूल इन देयर नेम्स. बोथ दिस ब्रॉड ग्रुप्स इंक्लूड हंड्रेड्स ऑफ कास्ट और ट्राइब्स हुज नेम्स आर लिस्टेड इन एन ऑफिशियल शेड्यूल हैज द प्रीफिक्स शेड्यूल इन देयर नेम. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कम्युनल पॉलिटिक्स. When the demands of one religious groups are formed in opposition to another and when state power is used to establish domination of one religious group over the rest, and this is manner of using religion in politics is called communal politics. जब किसी भी state की किसी भी country की government जब किसी एक religion को या किसी एक community को privilege दे या केवल उसी के लिए सोचे, उसी के फेवर में सारे डिसीजन ले, तो उसे कम्युनिटी पॉलिटिक्स कहा जाता है. जहाँ कि जितने भी अदर कमिटी हैं उनके पे उनको बिल्कुल ध्यान ना दिया जाए और केवल एक ही रिलीजन ग्रुप्स के लिए सारे डिसीजन फेवर में लिए जाएँ, वो कम्युनल बेस्ड पॉलिटिक्स होती है. नाउ थैंक यू स्टूडेंट. इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अदर इम्पोर्टेंट टॉपिक. थैंक यू. जय हिंद.